सॉरी फ्रेंड, कुछ टेक्निकल थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। तो हम कहाँ तक पढ़े थे? कोल टैंक तक पढ़े थे कि इसमें क्या होता है। ईंधन जो कोयला होता है या कोक होता है वो भरा होता है। नेक्स्ट होता है इसमें क्वेंचिंग टैंक, जो कि बुझा जो कि जो हमारा हॉट जॉब होता है या फिर टूल होता है, कार्य करते समय जो टूल वगैरह होते हैं ये भी काफी हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जॉब बेसिकली गर्म हम करते ही हैं फर्नेस में, तो उसे ठंडा करने के लिए, उसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग बनाए रखने के लिए उसे हम क्या करते हैं, बार बार पानी में डुबोते रहते हैं। तो पानी बेसिकली कहाँ भरा होता है? क्वेंचिंग टैंक में भरा होता है, हॉट जॉब और टूल को ठंडा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एयर वाल्व। जो एयर वाल्व होता है भट्टी में, जो भी हवा की आपूर्ति की जाती है, हवा को जो रेगुलेट किया जाता है, इसका काम बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है? एयर वाल्व के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स का कौन सा भाग एयर को रेगुलेट करने का काम करता है या एयर की आपूर्ति करने का काम करता है? तो भाग होता है हमारा एयर वाल्व, इसके द्वारा हवा को कंट्रोल किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें ब्लोअर। ब्लोअर का काम क्या होता है? कोक ईंधन को जलाने के लिए जो भी हवा भेजी जाती है वो किसके द्वारा भेजी जाती है? ब्लोअर के द्वारा भेजी जाती है। इसमें क्या एक पंखा टाइप लगा होता है, इसको हम बेसिकली हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और यदि मशीनें हैं, बड़ी मशीनें हैं, या आपके पास विद्युत मोटर की भी सुविधा है तो इसे हम विद्युत मोटर के द्वारा भी चला सकते हैं। लेकिन जब आप लोहार वगैरह के वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा हाथ के द्वारा वो ऑपरेट करता है। तो एक बड़ा सा साइकिल का फ्रेम लगाए होते हैं, रिम, उस पे पट्टा वगैरह लगा के उसको ब्लोअर को ऑपरेट करते रहते हैं। तो इसे हम हाथ से भी चला सकते हैं और विद्युत मोटर के द्वारा भी चलाया जा सकता है। इसका काम क्या होता है? ईंधन को या कोक को जलाने के लिए जो आवश्यक हवा होती है ब्लोअर के द्वारा ही भेजी जाती है। नेक्स्ट आता है कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक में क्या होता है? जो नोजल है या ट्यूबर्स है उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग टैंक में काफी ज्यादा कोल्ड वाटर भरी रहती है, ठंडी ठंडा पानी भरा होता है। जो भी हम ब्लोअर से हवा भेजते हैं वो पहले क्या होती है, कूलिंग टैंक से होकर पास होती है, कूलिंग टैंक से होकर गुजरती है, जिससे कि वो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और फिर वो नोजल में प्रवेश करती है, जिससे कि नोजल हमारा क्या होता है, ठंडा होता रहता है, गर्म नहीं होता है। और इसको हम बाहर से बचाने के लिए, पिघलने से बचाने के लिए नोजल्स के ऊपर रिफ्रैक्टरी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उससे ढके रहते हैं, जिससे कि ये पिघले ना, इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े हीट का। बेसिकली कूलिंग टैंक का कार्य क्या होता है? नोजल और ट्यूब को ठंडा रखने के लिए जो पानी होता है इसमें भरा होता है कि जो ब्लोअर के द्वारा हवा आती है ठंडी होकर उसमें जाए। इसके बाद आता है हमारा पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल फोर्ज क्या होती है? इसे हम हैंड फोर्ज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली साइज में छोटी होती है, इसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली हम आराम से ले जा सकते हैं, इसीलिए इसे हैंड फोर्ज के नाम से भी जानते हैं। जो बेसिकली पोर्टेबल फोर्ज होती है या माइल्ड स्टील के प्लेटों से बनी हुई होती है, और ये चौकोर में कह सकते हैं वर्गाकार या आयताकार शेप में पाई जाती है। इसको रखने के लिए इसमें नीचे चार टांगे भी बनी होती हैं, और हवा की आपूर्ति के लिए इसमें ब्लोअर वगैरह भी लगा होता है, जिसको बेसिकली हम हैंड द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो ये होता है पोर्टेबल फोर्ज। बेसिकली इसका काम होता है जहां पर काफी छोटे छोटे, मतलब कोई ऐसा सामान हो जिसको हम वहां तक ना ला सकें, या फिर जहाँ छोटे छोटे काम होते हैं वहां पर हम इसी को उठा के ट्रांसफर करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो होती है पोर्टेबल फोर्ज। नेक्स्ट आता है फोर्जिंग टूल्स। जो भी हम फोर्जिंग करते हैं उसमें जो बेसिकली टूल्स वगैरह प्रयोग करते हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो पहला आता है सोवल, जिसे हिंदी में हम बेलचा वगैरह के नाम से जानते हैं। सोवल का काम क्या होता है? इसका काम होता है फर्नेस में, भट्टी में जो भी कोयला वगैरह हम बाहर से डालते हैं उसको डालने के लिए हम बेसिकली सोवल का ही प्रयोग करते हैं, बेलचे का प्रयोग करते हैं। और हर्थ में जो ओल्ड ईंधन होते हैं, पुराने ईंधन होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए या कह सकते हैं हर्थ को साफ करने के लिए भी सोवल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या काम है? भट्टी में हम इसका प्रयोग करते हैं कोयला डालने के लिए, और हर्थ को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है? जैसे आपने छन्नी देखी होगी, छन्नी के टाइप का होता है, इसमें काफी छोटे छोटे होल बने होते हैं। इसका काम होता है कि जो भी हर्थ में जो आग जल रही है उसको मिडिल में केंद्रित करना, जो मध्य वाला भाग है वहां पर ईंधन को केंद्रित करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम पानी भर भर के हर्थ के बाकी जो बाहर वाले पार्ट होते हैं, बाहरी भाग होते हैं, उसमें हम पानी को छिड़कते हैं, और सेंटर वाले पार्ट ने, मिडिल वाले पार्ट ने ईंधन को या आग को केंद्रित करते
करते रहते हैं। तो स्प्रिंकलर का काम होता है क्या कि जो फोर्स का बाहरी घेरा है वहां पर पानी का छिड़काव करना, जिससे कि जो ऊष्मा है आग है वो हर्थ के मिडिल में केंद्रित हो सके। नेक्स्ट आता है इसमें रैक और पोकर। तो रैक क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा टाइप होता है जिसे हम प्रयोग करते हैं बेसिकली आग में जलने के बाद जो झाकर वगैरह जिसमें क्लिंकलर जम जाते हैं छोटे छोटे, उसको हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं रैक का। तो पूछा जाता है कि आग में से झाकर या क्लिंकर हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रैक का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ में होता है पोकर। पोकर का प्रयोग किया जाता है नोजल पर ताजा ईंधन लाने के लिए, जो बगल में और ईंधन होते हैं जब हम रैक के द्वारा उसको हटा देंगे तो पोकर के द्वारा हम उस पर नोजल में ताजा ईंधन लाएंगे। अब देखा भी होगा जब भट्टियों में वगैरह वो क्या करते हैं, लोहार वगैरह उसको मतलब एक नुकीला टाइप का होता है, उससे वो खोद खोद कर उसको हटा हटा कर ताजा ईंधन उस पर लाते रहते हैं। तो क्या होता है बेसिकली पोकर होता है। तो रैक का काम होता है झाकर क्लिंकर को हटाना और पोकर का काम होता है नोजल पर ताजा ईंधन या नया ईंधन को लाना। नेक्स्ट आता है इसमें पंच। तो पंच जो बेसिकली है ये कई शेप और साइजों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार के हमें होल करने हैं उस प्रकार के हम पंच का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अब जो बेसिकली यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं ओवल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप के पंच प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जाब में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होल को बनाना होता है। तो बेसिकली जो सी फोर्जिंग में होल बनाए जाते हैं पंच के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का काम होता है जो पंच के द्वारा हम होल बनाते हैं उस होल को थोड़ा सा बड़ा करना, या अगर वो सही शेप साइज में नहीं बना है तो उसको अलाइन करना, या कह सकते हैं सही साइज में उसको ठीक करना काम होता है बेसिकली ड्रिफ्ट का। तो पूछा जाता है कि पंच द्वारा किए गए होल को बड़ा करने और उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमें नया होल जनरेट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, पंच का प्रयोग करेंगे। तो यह था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्जिंग जिसको हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ जो और इम्पोर्टेंट जो टूल्स हैं फोर्जिंग के, जो टूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो टॉन्ग्स होती हैं, सरसियाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ बेस्ट डे, गुड लक।